आज मैंने अपनी माँ खोई है। मैं नहीं चाहता और किसी परिवार में ऐसा हादसा हो, लोगों को सबक मिले कहीं भी। यहाँ कोई किसी टाइम आओ जाओ कोई मतलब नहीं है हमको। तो जो गार्ड वगैरह मेरी तो रिक्वेस्ट है कि गार्ड कोई भी आए उसके बारे में इंक्वायरी करी जाए, कौन है गार्ड बैठा है, कौन सोसाइटी में आ रहा है, कौन नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर आज बताओ ये अगर हम लोग सेफ नहीं, आज मेरे इस माँ के संग हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम पश्चिम बिहार के मुल्तान नगर में मौजूद है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देगा। एक परिवार में जो नौकर लगभग एक हफ्ते पहले ही घर में आता है और जब एक घर में मौजूद बुजुर्ग माँ उस नौकर को चोरी करने से टोकती है, इसके बाद वो उस माँ की हत्या करके फरार हो जाता है। इस वक्त हम लोग परिवार के साथ मौजूद है, आखिर ये पूरा मामला क्या है उनसे ही जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जैन। मनीष कुमार जैन, सर इस क्षेत्र में आप कब से रह रहे हैं? मैडम 50 साल। 51 से रह रहे हैं। अच्छा, आपकी माँ और आप इस घर में अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते हैं हम लोग। कितने समय से अकेले रह रहे हैं? इस वाले घर में हम 7-6 साल से रह रहे हैं, 6 साल दोनों। और ये जो नौकर की बात बताई जा रही है, इस नौकर को कितने समय पहले आपने काम? मैं इसको 3 तारीख को लाया था। अच्छा, 3 फरवरी को लाया हूँ और 8 फरवरी को मैं स्टेशन पे छोड़ भी आया। 9 फरवरी की टिकट करा के तू भाई ये खा पिए और अपने घर जा। बस फिर हम वहाँ छोड़ के इसको चले आए हैं। फिर हम आते हैं रात को, मैं आ रहा हूँ स्कूटर पे तो मेरे को थोड़ा सा रास्ते में मेरे को दिखता है, मैंने कहा यार मैं इसको छोड़ के आया था, ये कर क्या रहा है? तो मेरे थोड़ा किसी जिसका आभास होता है कोई ना कोई बात हो गई है, ये मेरे घर क्या करने आया है। तो मेरे घर पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हल्का सा गेट अंदर वाला खुला है। मैंने कहा चलो कोई खुलता रेयर चांस पे नहीं है। फिर जब मैं लोहे का गेट खोलूँ मुझे आभास होता है मेरे घर में कुछ हो गया, क्योंकि वो जो भी टाइम था उस टाइम हमारे घर का गेट नहीं खुलता। कितने बज रहे थे सर उस वक्त? मेरे ख्याल से 10:45 या 11, मुझे टाइमिंग की थोड़ी सी ज़रा परेशानी सी हो रही है ना, मेरा ध्यान था, मैं अपने कामों पे ध्यान था। तो मैं जब भी जाता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ अंदर, जैसे ही घुसता हूँ माता जी मेरी बेसुध लेटी है, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई चक्कर खा के गिर गया हो या कुछ हो, जबड़ा मुँह का बाहर निकला होता है और हल्का सा निशान यहाँ पड़ा होता है। तो मैं फिर भी उन अपने पास से हवा दबाता हूँ, देखता हूँ माता जी। फिर मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, ऊपर से हमारा काके भाई है उनको चिल्लाता हूँ, वो लोग आते हैं। तो उसके बाद हम सीधा यहाँ से बालाजी उसको ले जाते हैं। तो फिर मेरे को पता था कि मेरी माता जी भगवान को प्यारी हो गई हैं। उसके बाद पुलिस वो मेरे से पोस्टमार्टम के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं नेचुरल डेथ भी हो सकता। तो मैंने कहा भाई मैं घर से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ, मेरी माता जी की रिपोर्ट लेके मैं लड़के को भेजता हूँ, वो आता है। तो मैंने उसी बीच उसको टोक देता हूँ, भाई आप एक काम करो, आप है ना मेरा चार्जर ले आओ। वो दोबारा जाता है चार्जर लेने तो उसको ऑफिस में हमारे किसी की परछाई दिखती है, वो छुप जाता है। फिर वो दोबारा परछाई दिखती है, वो कोशिश करता है कोई ना कोई अंदर है। तो उसी बीच में उसको दिख जाता है रोहित, वो मेरे को फ़ोन करता है, भैया रोहित दुबे तो यहाँ पे ऑफिस में है। तो मुझे कुछ अनहोनी का बात होता, तो मैं पुलिस उनसे कहता हूँ मैडम रुक जाइए, ये नेचुरल डेथ नहीं है, मेरी मदर को शायद किसी ने मारा है। इसी बीच में उसे दरवाज़ा खुला के उसको पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। और उसके बाद तो क्लियर हो जाता है कि ये माता जी संग यह हादसा हो गया। अच्छा। उससे वहाँ पूछते हैं मेरे दोस्त, इधर में पुलिस आ जाती है, पिटाई करते हैं। तो उसका कहना यह था कि मैंने ही मारा है। बताया उसने, खुद कबूला कि मैंने मारा, खुद कबूला है उसने कि मैंने मारा है इनको, माता जी को। कहीं आपकी पहले किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसा तो कुछ नहीं था आपसे में, कुछ ऐसा कहीं? नहीं नहीं, यूँ तो हमारा कहीं नहीं था किसी से भी, वो सीधा आना सीधा जाना कोई मतलब नहीं है। पर अब थोड़ा मन में डाउटफुल हो गया, कोई मास्टरमाइंड है जो उसको पीछे से करवा रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप इस सोसाइटी में रहते हैं और हम कोई भी सोसाइटी देखते हैं जिसमें कभी भी एंटर कोई भी करता है तो उसकी चेकिंग होती है। अभी हम खुद सोसाइटी में अंदर आए हैं लेकिन किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं हुई, सर क्या कोई कहेंगे? कोई चेकिंग होती नहीं मैम यहाँ पे। हम रात को भी जाते हैं, जाते हैं, अभी ये कार्ड बनाया है, इसका नंबर देखो इसके ऊपर हट गया नंबर, यह नंबर था गाड़ी नंबर वो भी मिट गया यहाँ से, पर अब तक कोई चेकिंग स्टार्ट हुई नहीं है यहाँ पे अभी तक।
कोई आओ कोई जाओ, भगवान भरोसे है सर। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हमें यहाँ हो गए 2 साल। 2 साल हो गए जी। अच्छा ये बताइए, कोई भी इस गेट से आ रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन चेकिंग कोई नहीं की जा रही? नहीं करते हैं। हाँ। हम इससे करते हैं। कैसे करते हैं बताइए? करते हैं। कौन से करते हैं? हाँ। लेकिन अभी मैं भी आई, देखिए अभी और भी लोग गए। हाँ। आप लोग चेकिंग नहीं करते? नहीं नहीं चेक करते हैं, इससे करते हैं फोन से। हम किताब विताब तो हमारे पास है नहीं, फोन से चेक करते हैं। तो जब थोड़े दिन पहले आपकी सोसाइटी में ही रोहित नाम का लड़का अंदर आता है तो उसकी चेकिंग होती है? रात को रोहित आया कैसे अंदर? नहीं नहीं रोहित तो रात को रात वाले गार्ड रहते हैं। हाँ। रात को रात वाले अलग है, दिन वाले अलग है। हाँ। हाँ। कितने गेट है सोसाइटी के? सोसाइटी के हैं 3 गेट। 3 गेट। हाँ। मैं सेकंड नंबर गेट से आई हूँ, वहाँ तो चेकिंग नहीं हुई। अभी यहाँ से बाहर जा रही हूँ, आपने पूछा भी नहीं कहाँ जा रही हो, मतलब अंदर क्यों गए थे ऐसे कोई? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पूछते हैं। आप इसमें देखिए, आप पढ़े होगे तो आप देखिए। मेरा बताइए ना, आपने मुझसे ही नहीं पूछा। मैं अरे आप लोग तो ये है ऐसे, तो आप लोग से कौन पूछेगा अभी? आप लोग डायरेक्ट मेरे पास आए हैं। हाँ। अभी तो आप जब अंदर बढ़ोगे। हाँ। तो हम जरूर पूछेंगे सर कहाँ जाना है। अच्छा। हाँ ऐसा थोड़ा ना है। तो देखिए अभी आपने पूरी बात सुनी कि एक लड़के को एक हफ्ते पहले ही नौकरी पे रखा और चोरियों की वारदात लगातार अंजाम देते हुए उसने इनकी ही बुजुर्ग माँ की हत्या कर दी। लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि अगर हम एक सेफली सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हाई अलर्ट होता है, इसके बावजूद भी जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है उनके द्वारा किसी भी तरीके से चेकिंग नहीं की जाती, क्योंकि जीते जागते सबूत इस वक्त हमारे पास है, क्योंकि हम भी खुद आए हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ना ही रोका गया, ना ही कोई डेटा लिया गया, ना ही कोई पूछताछ की गई। यही वजह है कि थोड़े दिन पहले सरेआम एक व्यक्ति घर के अंदर आ जाता है और एक बुजुर्ग माँ को अकेले देखकर उनकी हत्या करके फरार हो जाता है। लेकिन आपको पता है इस वक्त दिल्ली पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया है और इस वक्त वो जेल के अंदर है। लेकिन आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर कभी भी आप एक अनजान व्यक्ति को ऐसे नौकरी पर रखते हैं तो उसका बैकग्राउंड, आखिर वो करता क्या है, कहाँ से आया है, उसके बारे में जरूर जान ले। क्योंकि मनीष जी से जैसे अभी पता चला वो काफी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी घर वाले का ही हाथ है, कोई मिला हुआ है, तभी एक अनजान व्यक्ति का इतना हक बन गया कि वो अचानक से घर में आ जाता है, चोरियों की वारदात लगातार अंजाम देता है और उसके बाद उसको अगर हम छोड़ कर भी आ जाते हैं तो वो वापस घर को आकर ऐसे हत्या की वारदात करके फरार हो जाता है। तो इस वीडियो पे जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।